वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, बताओ फटाफट, आवाज आ रही है आप लोगों को? आज मैं थोड़ा अलग तरीके से दिख रही होंगी आपको, थोड़ा ओबीएस सेटिंग में मेरी दिक्कत आ गई है, ठीक है? कल तक मैं इसे ठीक कर लूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति, सपना, प्रतिभा, अच्छा बच्चा, ओम, सोनम, अफजल, है ना? और दिन से थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ग्रीन पर्दा टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे आज ठीक कर लूंगी। बस ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? युवराज, स्नेहलता भाई, बताओ फटाफट, ऑल क्लियर है? कल कुछ इमरजेंसी रीजंस की वजह से ये वाली क्लास नहीं हो पाई थी। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। ललिता दहिया एकेडमी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे, जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, जो पीडीएफ है क्लास का, वो पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया एकेडमी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने एंड्रॉयड फोन में अभी डाउनलोड कीजिए ललिता दहिया एकेडमी ऐप को। यहाँ पे दो कोर्सेस चल रहे हैं, फिलहाल दो कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस करा रही हूँ। पूरे सिलेबस का कवरेज कराते हुए, केवल पढ़ाना नहीं है, आपकी अवधारणात्मक समझ बनाते हुए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हुए और करंट से एड ऑन कराऊंगी। जब मैं ये बैच कंप्लीट कर लूंगी तो पूरा करंट 1 साल का इस पॉलिटी विद करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ले सकते हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी है ये वाली, और जो बच्चे नए से जुड़ेंगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 11 जुलाई से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस शुरू हो रही है, यानी इस मंडे से, ये जो मंडे आएगा इस मंडे से हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स मेंस की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं पूरा कवर ये सिलेबस को कवर कराऊंगी, साथ ही करंट अफेयर्स, साथ ही लिखना कैसे होता है, समझना कैसे होता है, पूरा आप लोगों को कवरेज मिलेगा आईआर का। तो आप जुड़ सकते हैं, फीस है इसकी मात्र 1625 रुपए पूरे आईआर की, ठीक है? जिसमें आपका करंट भी इंक्लूड है, आंसर राइटिंग भी इंक्लूड है, ठीक है? तो जुड़िए दोस्तों ललिता दहिया एकेडमी ऐप पे फटाफट, ललिता दहिया एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके आप ये दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत है तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करवा दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को फंडामेंटल, ये दूसरी स्लाइड थी उसमें आप लोगों को छोटा दिख रहा था, इसलिए मैं नई स्लाइड ले आई हूँ, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी थी, रिविजन भी एक तरीके से करवा दिया था कि फंडामेंटल राइट क्या है, कहाँ कहाँ है, ठीक है? इनकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है? राज्य आर्टिकल 12 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था, याद होगा आप लोगों को आर्टिकल 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 आप लोगों को मैं कंप्लीट करा चुकी हूं। उसके बाद आर्टिकल 13, ये मूल अधिकारों से असंगत विधियां, आर्टिकल 13 आप लोगों को मैं कंप्लीट करा चुकी हूं, जिसमें एक एक प्रोविजन को मैंने एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मैंने आप लोगों को मूल अधिकार एक नजर में बता दिया था कि भाई इस फलाने मूल अधिकार यहाँ से यहाँ तक है, मतलब टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 300 कम में ऐड कर दिया गया। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है और 6 के 6 कहाँ है, समानता का अधिकार। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को, मतलब 14 में क्या है, 14 से लेके लगभग मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, आर्टिकल 32 तक मैंने आपको बता दिया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी? फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि भाई 5 फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। और इन 5 फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी के जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त होंगे, और भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त होंगे ही, इनके साथ विदेशियों को भी प्राप्त,
ठीक है। तो याद रखिएगा यहां तक भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कृपया करके पूछ ले, फिर ये ना कहना, बताओ फटाफट। उसके बाद फिर हम आर्टिकल 14 से शुरुआत करते हैं आज, विधि के समक्ष समता से। दोस्तों शायद मैंने ना क्लास शेयर नहीं की है, मैं एक बार क्लास टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, बात करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बात करते हैं आगे आने वाले टॉपिक से। आगे आने वाला टॉपिक है हमारा आर्टिकल 14, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखो, विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण, एक एक पॉइंट को बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल रखना नहीं है हमको, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो आर्टिकल 14 में ना ये दो बातें मिलेंगी कि भाई विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये दो अलग अलग बातें हैं। यदि एक ही बात होती तो फिर ये दो अलग अलग तरीके से हम क्यों लिखते, एक ही बात लिख के छोड़ देते भाई, विधि के समक्ष समान है ना। इसलिए क्योंकि दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। वो अलग बात है कि दोनों का, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का उद्देश्य एक हो सकता है, मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले हम इस वाले अर्थ को समझते हैं, विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 में साफ साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, याद रखना किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी ये जो आर्टिकल 14 है ये नागरिकों को तो प्राप्त होगा ही, बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त होगा। याद आया, अगर केवल नागरिकों के लिए होता तो यहाँ पे होता कि किसी भी नागरिक, यहाँ पे लिखा है किसी भी व्यक्ति, तो वैसे भी हमको पता है कि भाई पांच फंडामेंटल राइट ही हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, है ना, 15, 16, 19, 29, 30, आर्टिकल 14, तो सबको प्राप्त होगा। अब भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो चीजें समझ में आई। और यहाँ पे अब आपसे यदि मैं पूछूं कि आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, तो यहां पे राज्य का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताइए, कौन बताएगा मुझे। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि भाई राज्य भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा, तो यहां पे राज्य का मतलब क्या होगा। राज्य का मतलब जो आर्टिकल 12 में, याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 12 में जो भी राज्य की डेफिनेशन दी है, आप लोगों को आर्टिकल 12 में पढ़ा चुकी हूं कि भाई केंद्रीय सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और संसद, स्थानीय स्वशासन या ऐसे निकाय जिसमें राज्य की 1% भी भागीदारी है, वो सब, मेरी बात समझे, राज्य, ये बात सही है आपकी कि भाई राज्य का मतलब देश होता है, हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य भी यदि आपसे पूछ ले कि भाई राज्य क्या है ना, कोई भी पूछ ले कि भाई कौन सा राज्य, क्या राज्य, तो आप बताओगे कि भाई आर्टिकल 12 में बकायदा राज्य को परिभाषित किया गया है, वो वाला राज्य, यानी उस परिभाषा में जो जो आयाम शामिल हैं वो सब इस राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे, है ना, याद रखिएगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार सब पे लागू होगा। इसमें याद रखिएगा, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है दोस्तों, ठीक है, कि भाई केवल नागरिकों को है कि विदेशियों को, तो साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है। तो ये वाला जो अधिकार है ये सबको प्राप्त होगा, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। अगला है, व्यक्ति शब्द से विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक नियम, निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां इत्यादि किसी तरह का विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि इसमें वैधानिक जो निकाय होते हैं, संवैधानिक निगम, कंपनियां, ये सब शामिल होते हैं वैधानिक व्यक्ति में। यानी आप किसी भी संस्था के साथ भी विभेद नहीं करोगे, ठीक है। मोटे तौर पे आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि भाई आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, विधि के समक्ष समानता, विधियों के समक्ष समान संरक्षण,
दूसरा राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, तीसरी बात ये अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशों को भी लागू, ठीक है। विधि के समक्ष समता को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, तो सबसे पहले हम इस वाले को डिस्क्राइब करेंगे, विधि के समक्ष समता को। तो दोस्तों आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो विधि के समक्ष समता का विचार कहां से लिया है हमने, कि भाई विधि के समक्ष सब समान होंगे, प्रधानमंत्री जी से लेके एक झोपड़ी वाले व्यक्ति तक विधि के समक्ष सब समान होंगे, मुकेश अंबानी अडानी से लेके और एक भीख मांगने वाले व्यक्ति तक सब विधि के समक्ष समान होंगे, ये कहता है विधि के समक्ष समानता। यानी पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका विचार हमने ब्रिटिश मूल से लिया है, जबकि विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश मूल से। वहां पे एक विचारक हुए हैं डायसी, उन्होंने विधि के शासन की संकल्पना दी। विधि के शासन का मतलब ही होता है दोस्तों कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि अडानी किसी का मर्डर कर दे, मतलब चलो कर दे, और कोई झोपड़ी वाला किसी का मर्डर कर दे, तो दोनों का दोनों की जो सजा होगी वो समान होगी। ये नहीं है कि अडानी को हम 10 दिन जेल में भी काहे रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहें कि चलो ठीक है 2 करोड़ रुपए दिए और मुझे बाहर निकालो, फिर गरीब व्यक्ति का क्या होगा, वो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहां से लाएगा। तो इसलिए विधि के समक्ष समानता में कंसेप्ट क्लियर रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, ठीक है। अगला, किसी व्यक्ति के पक्ष में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। आईएएस 2014 पीटी में एमसीक्यू पूछा कि भाई समानता के अधिकार का क्या अर्थ है, वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए, विशेष अधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव और 2 ऑप्शंस दिए थे। तो तुरंत यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर था तो याद रखिएगा, विशेष अधिकारों का अभाव जहां पे होगा वहीं पे समानता होगी। जैसे इसको यहां से समझिए, ये एक समाज है दोस्तों, यहाँ पे यदि हमने कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दे दिए, जैसे अडानी अंबानी टाटा बिड़ला इन सबको हमने मान लो विशेष अधिकार दे दिए, कुछ नेताओं को विशेष अधिकार दे दिए, कुछ क्रिकेटर्स को विशेष अधिकार दे दिए, बाकी लोगों को हमने विशेष अधिकार नहीं दिए, तो ये बताओ इस समाज में कभी समानता स्थापित हो पाएगी क्या? बताओ फटाफट, क्या इस समाज में समानता स्थापित हो पाएगी क्या, या फिर क्या होगा, खाई पैदा हो जाएगी, समानता तो कभी आएगी ही नहीं। यदि हम एक वर्ग को विशेष अधिकार दे देंगे तो समानता तो स्थापित होगी ही नहीं। इसलिए समानता का पहला आधार होता है कि समानता उसी समाज में स्थापित हो सकती है जहां पे विशेष अधिकारों का अभाव हो, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। दूसरा, वह साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, जैसे कोई व्यक्ति चाहे वो अमीर है गरीब है, ऊंचा नीचा तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो दिमाग के खेल है, सोसाइटी में ये चीजें चलती है, लेकिन हमको ऐसी चीजें नहीं चलानी है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि तथा कथित उच्च जाति से है या तथा कथित अनुसूचित जाति जनजाति से है तो भी सब समान होंगे। कोई अधिकारी है आईएएस बन जाओगे तब भी और कोई आम व्यक्ति है वो भी विधि के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान, ये हो गया हमारा विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता में 3-4 चीजें याद रखनी है, पहली बात ये ब्रिटिश मूल का है, यानी कि हमने ये विचार ब्रिटेन से लिया है। दूसरी बात, विशिष्ट विशेष अधिकारों का अभाव होता है, ऐसी सोसाइटी में जहां पे समानता होगी वहां पे विशेष अधिकार नहीं होंगे। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, चाहे अमीर है गरीब है उच्च है अधिकारी है गैर अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। और अगली बात आपको एक और याद रखनी है कि ये जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा होती है ना, ये नकारात्मक अवधारणा होती है, नकारात्मक अवधारणा होती है। कैसे? ये राज्य को ये उल्लंघन करने पर दंड भी दे सकती है, और राज्य को कुछ किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति कुछ विशेष प्रावधान करने से रोकती भी है।
इसलिए विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है इसे हम नकारात्मक अवधारणा बोलते हैं। अभी मैं दोनों में जब डिफरेंस बताऊंगी तो फिर से आपको बताऊंगी। मुझे ये बताओ, यदि आपसे कोई विधि के समक्ष समता पूछे तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे कि भाई ब्रिटिश मूल से लिया गया है, नकारात्मक है, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है और विशेष अधिकारों का अभाव, और यहीं से आईएएस 2014 में सीधा सीधा क्वेश्चन बना था। बता दो फटाफट, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दोस्तों विधियों के समक्ष समान संरक्षण के तहत क्या होता है। विधियों के समक्ष समान संरक्षण के तहत विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, अभी एक्सप्लेन करूंगी, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होते हैं। ये बात सही है कि भाई समान विधि होगी ना तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नियम होंगे, बिना भेदभाव के साथ समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये बात आप इसको बहुत अच्छे से समझो। विधि के समक्ष समान संरक्षण को हम सकारात्मक भेदभाव भी बोलते हैं, उल्टा भेदभाव भी बोलते हैं। जैसे ये बोले कि भाई समान के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, समान के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, लेकिन असमान के साथ हम इस असमान व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके कल्याण के लिए असमान व्यवहार कर सकते हैं। ऊपर से गए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक समाज है, यहाँ पे एक जाति, एक क्षेत्र, पुरुष पुरुष है, मान लो इनके साथ विधि के समक्ष समान कार्यवाही होगी, लेकिन यदि इसी सोसाइटी में कुछ वंचित तबके हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो हम इन ट्रांसजेंडर्स, महिलाएं, बच्चे या जितने भी मैंने अभी वर्ग समूह बताए, इनके साथ हम इन लोगों की तुलना में असमान व्यवहार कर सकते हैं। असमान व्यवहार का मतलब क्या है कि हम इन वर्गों के उत्थान के लिए इनको अतिरिक्त सुविधाएं दे सकते हैं। मेरी बात समझे? यदि अब मैं आपको ये कहूं कि विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, तो आप इसको समझ गए कि भाई समान के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। फिर वहां पे ये नहीं हो सकता कि मान लो दो पुरुष हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, और जो है हम इसको ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, इसको कम, ये तो गलत हो जाएगा। समान के साथ तो समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन एक समान वर्ग है, इसकी तुलना में एक असमान वर्ग है जिसमें वंचित तबके हैं, जो कि मैंने आपको बताया, इनके साथ हम असमान व्यवहार कर सकते हैं, यानी इनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से कार्य कर सकते हैं। इसी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाऊंगी, एक बार यहाँ आ जाऊंगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अंजलि ठीक है, टेंशन मत लो। इस तरह जो पहला संदर्भ था, यानी विधि के समक्ष समानता की जो बात थी, वो नकारात्मक संदर्भ है। दूसरा सकारात्मक, यानी विधियों के समक्ष समान संरक्षण को सकारात्मक संदर्भ बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य को कहेगा कि भाई इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ तो करो, महिलाओं को कुछ तो अतिरिक्त दो, दिव्यांगों को के लिए कुछ अतिरिक्त आप सुविधाएं दो, एससी एसटी के लिए अतिरिक्त करो, ट्रांसजेंडर्स के लिए अतिरिक्त करो। मेरी बात समझे? यानी विधि के समक्ष समानता की अवधारणा नकारात्मक है, राज्य को रोकती है किसी को कुछ देने से, किसी के लिए कुछ विशिष्ट प्रोविजन करने से रोकती है, क्योंकि वो सबके लिए समान होगा। लेकिन विधियों के समक्ष समान संरक्षण की अवधारणा सकारात्मक अवधारणा होती है, ये राज्य को कहती है कुछ करने के लिए कि भाई इन लोगों के कल्याण, उत्थान, संरक्षण के कुछ विशिष्ट उपाय आप करो। ठीक है, अब जैसे हालांकि यदि मैं दोनों के उद्देश्य की बात करूं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि भाई विधि के समक्ष समानता और संरक्षण दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है दोनों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई विधि के समक्ष समता अलग चीज है, तीन चार पॉइंट है, विधि के समक्ष समान संरक्षण अलग चीज है, तीन चार पॉइंट है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये अलग अलग उद्देश्य है क्या, तो नहीं, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है। कैसे? विधि अवसर और न्याय की समानता, इसे ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर लूं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। उद्देश्य एक है, देखो
इन दोनों का उद्देश्य है समाज में विधि की स्थापना करना, अवसर की समता और न्याय की स्थापना करना। अब जैसे ये देखो, ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल नहीं है, किसी एनसीईआरटी में है, मेरे को याद नहीं है, नौवीं दसवीं की होगा किसी में। ये एक बाउंड्री है, एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है। दीवार के इस पार जो है क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब क्रिकेट का मैच वैसे भी हमारे देश में बड़ी उत्सुकता का विषय होता है, सब बड़े मतलब गौर से देखना चाहते हैं, है ना। अब इस दीवार के इस साइड कुछ लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति की हाइट इतनी है, ये आराम से बढ़िया से क्या कर रहा है, मैच को देख रहा है, बड़ा बढ़िया तालियां बजा रहा है चौके पे छक्के पे, और जो आउट हो रहा है तो थोड़ा उदास हो रहा है क्योंकि ये प्रत्यक्ष देख रहा है। इसके बाद ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये बड़ी बड़ी परेशानी से इसका आधा मुंह ही यहां तक है, बड़ी मतलब ऐसे गर्दन उठा के देख रहा है, ठीक। अब ये आदमी भी अब बेचारा थोड़ा बहुत दिख तो पा रहा है लेकिन बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है, मतलब गर्दन वर्दन दर्द होने लगेगी शाम तक, है ना। और तीसरा व्यक्ति है ये बेचारा यहां खड़ा है, यानी ये बस सुन पा रहा है कि भाई कुछ न्याय कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, क्रिकेट चल रहा है कि अच्छा ठीक, लेकिन ये देख नहीं पा रहा। अब राज्य क्या करेगा, यानी अब राज्य यदि ये व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे दो एक जैसे व्यक्ति हैं, तो ये तो समान व्यक्ति हो गए, इनको तो दिख रहा है ये बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट मैच को, तो इन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रोविजन करने की जरूरत है राज्य को, ये बताओ मुझे। युवराज अभी थोड़ा रुको रुको जरा सब्र करो, अभी हम एक्सेप्शंस पे आएंगे, पहले जो पढ़ा रही हूं उसको समझो, ठीक है। अब इसके अपवाद होते हैं समानता के अधिकार के, वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूं ना इसको समझो पहले, ठीक है। कोई उनको विशेष संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्य इस बेचारे की गर्दन टूट जाएगी ऐसे उठा उठा के गर्दन देखेगा तो राज्य क्या करेगा, इसके नीचे छोटा सा स्टूल रख देगा। जैसे ही छोटा स्टूल रखा, ये आदमी सेट हो गया, यहाँ इसकी गर्दन देख पा रहा है ये भी मैच को, यानी ये भी इनके इक्वल हो गया, यानी राज्य असमान के साथ असमान भेदभाव कर रहा है ना। स्टूल इन लोगों को तो दिया ही नहीं स्टूल राज्य ने, क्योंकि इन लोगों को स्टूल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको तो साफ साफ मैच दिख रहा है। अब ये बेचारा यहाँ पे, इसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसको राज्य क्या करेगा, इसको राज्य बड़ा स्टूल दे देगा, और जैसे ही ये बड़े स्टूल पे खड़ा होएगा तो ये भी इन लोगों के समक्ष हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि समाज में जो वंचित तबका है उसके संरक्षण के लिए राज्य जो अतिरिक्त उपाय करता है, असमान के साथ जो असमान भेदभाव करता है, वो बेसिकली क्यों किया जा रहा है, वो बेसिकली समानता स्थापित करने के लिए ही तो किया जा रहा है, ताकि समाज में समानता आए। इसलिए आपसे यदि कोई पूछे कि भाई विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण दो अलग अलग चीजें हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों का अर्थ भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का उद्देश्य ही है समाज में समानता स्थापित करना, और समाज में समानता स्थापित करने के लिए ये जरूरी होता है कि राज्य असमान के साथ असमान भेदभाव करे। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हो, जैसे आज आप देखोगे कि महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रोविजंस हैं, उनको पंचायतों में आरक्षण है, उनको और भी अन्य अन्य कानूनों के माध्यम से कुछ अतिरिक्त प्रोविजंस, कुछ अतिरिक्त लाभ मिले हुए हैं, दिव्यांगों के लिए प्रोविजंस हैं, SC ST के लिए प्रोविजंस हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए अब तो अतिरिक्त प्रोविजन किए गए, है ना। तो इसलिए समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। इसे सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही भी कहते हैं, उल्टा भेदभाव भी कहते हैं। मुझे ये बताओ, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ क्या, किसी को समझा दोगे? बिल्कुल, मकसद एक है, उद्देश्य एक है, एकदम सही बात है अफजल। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर से हम बताएंगे कि भाई विधि का शासन क्या होता है। सबसे पहले इन महोदय का नाम याद रखना, डायसी, इन्होंने ना विधि के समक्ष समानता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। मतलब इन्होंने विधि के समक्ष समानता, ये जो विधि के शासन की बात की,
और विधि का शासन का मतलब ही होता है, तीन चार चीजें होती है इसमें, यहाँ पे ये देखो इसमें तीन चीजें होती हैं बेसिकली। एक तो किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाए, यानी ऐसे ही नहीं कि सड़क पे एक आदमी निकला कुल्फी खाने के लिए और उसको हम कहें कि चलो चलो आपको जो है चार डंडे लगाए जाएंगे, तो ये गलत है, वो विधि का शासन नहीं कहेंगे हम उसको, उसको हम ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसा देश नहीं कहेंगे जहां पे विधि का शासन हो। विधि का शासन जहां पे होगा वहां पे किसी भी व्यक्ति को यदि दंडित किया जाएगा तो तभी दंडित किया जाएगा जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो, ठीक है। दूसरा, विधि के समक्ष समानता आवश्यक है, कोई व्यक्ति अमीर गरीब तथा कथित उच्च जाति तथा कथित नीच जाति और अधिकारी और गैर अधिकारी, ध्यान रखना मैंने तथा कथित लगाया है, तथा कथित का मतलब क्या होता है कि सो कॉल्ड, लेकिन कोई जाति उच्च और निम्न नहीं होती है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। आईएएस बनने वाले हो, जब आप आईएएस बनोगे तो आपको ऐसे लोगों के बीच में काम करना होगा जिनकी जाति भी आपको नहीं पता होगी, लेकिन आपको उनके संरक्षण का काम करना होगा। लेकिन यदि आप जातिवादी मानसिकता से ग्रसित रहे तो फिर आपके कार्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना, लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए ये जो इस तरीके की मानसिकताएं हैं इनको अब घर में छोड़ दो अगर आईएएस बनने जा रहे हो, ठीक है। तो कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, दो चीजें, यानी प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को बिना विधि का उल्लंघन किए दंडित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों परिणाम है जैसा न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया, ना कि समान व्यक्तिगत अधिकारों का कोई जरूरत नहीं है। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, ये एक अलग बात लिखी है। बेसिकली दो चीजें आपको याद रखनी है, विधि के समक्ष समानता में प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे कौन हो, एक झोपड़ी वाला व्यक्ति हो, विधि के समक्ष सब समान हो। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को बिना विधि का उल्लंघन किए दंडित नहीं किया जाएगा एक विधि के शासन वाले राज्य, ठीक है। विधि का शासन समझ में आ गया, अब बात करते हैं दोस्तों समानता के अधिकार के अपवाद। याद रखिएगा हर एक अधिकार के अपने कुछ अपवाद होते हैं, जैसे समानता के अधिकार के चार पांच अपवाद आपको डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। जैसे विधि के समक्ष समानता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कुछ संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे सबसे पहले तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कुछ शक्तियां होती हैं, उनको कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। याद है आर्टिकल 361 के तहत एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन सीडीएस में पूछा कि भाई राष्ट्रपति को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद याद रखना है, ठीक है, अनुच्छेद याद रखना है, यानी 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्रदान है। क्या क्या शक्तियां हैं जी, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति किसी भी न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने जो कार्यकाल के दौरान जो किए गए कार्य होते हैं और जो भी निर्णय लिए होते हैं किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ये कि भाई न्यायालय कहे कि आपने ये कार्य क्यों किया, आपने ये निर्णय क्यों लिया, ये अपने कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं बिना किसी उत्तरदायित्व के। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। याद रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की बात हो रही है, उनकी पदावधि के दौरान यानी जो उनका 5 साल का कार्यकाल है, इस दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जाएगी, दांडिक कार्यवाही, ठीक है। अगला, पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये अपवाद दिख रहे हैं। जैसे अगला अपवाद है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता।
और यदि कोई मुकदमा चलाया भी जाता है, दीवानी मुकदमा चलाया जाता है, तो इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जाएगा, यानी 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी कि महोदय जी आपके ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा रहा है। 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य या निर्णय पे किसी न्यायालय में कोई बात नहीं की जाएगी, यानी वो किसी न्यायालय के प्रति जवाब दे नहीं होंगे। दूसरी बात आप याद रख लीजिएगा कि पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात आप बस ये याद रख लेना कि भाई जो दीवानी कार्यवाही है, पहली बात तो वो शुरू नहीं की जाएगी, और यदि शुरू करनी भी पड़ जाए तो 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तो ये दूसरे नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार हो गए ना। इतना ज्यादा डीप में आपसे पूछना मुश्किल है, आपको बस ये पता होना चाहिए। मैंने डीप में भी बता दिया है आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि समानता के अधिकार के कुछ अपवाद हैं, और उनमें से पहला अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद। समझ में आया? क्या हो गया, कहाँ गायब हो भाई, कहाँ गायब हो? ठीक है, अगला है इसका कोई दूसरा अपवाद आपको याद रखना कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या किसी एक की कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, टेलीविजन में करता है, इस प्रकार किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, ये 2 बिल्कुल काट दो, कोई जरूरत नहीं है। तीसरा आप ध्यान रख लेना, जो सांसदों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं 105 के तहत, तो भाई सांसदों को जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, ये मैं अलग से संसद में पढ़ाऊंगी क्या क्या विशेष अधिकार है ना। तो ये जो विशेष अधिकार है, ये भी समानता के अधिकार का क्या है, अपवाद है। अगला दोस्तों, 194 के तहत जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्यों को, यानी जो MLA को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, वो भी समानता के अधिकार का क्या है, अपवाद है। इसके अलावा 31 ग आर्टिकल 14 का अपवाद है, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी संपत्ति का अधिकार तो जा ही चल चुका है। ये ध्यान रख लेना, 39 ख ग बी सी, यानी ये 2 आर्टिकल मैं हर क्लास में जिक्र कर देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माने जाते हैं। देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग और धन के संकेंद्रण पर रोक, यदि इन 2 आर्टिकल को लागू करने के लिए हम मौलिक अधिकारों में संशोधन करते हैं, तो आर्टिकल 14 के आधार पे इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, आर्टिकल 14 का इसे उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यदि हम 39 बी सी को प्रश्रय देते हैं, 39 बी सी को लागू करने का प्रयास करते हैं, तो ठीक है, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लो, वैसे समझ में नहीं आ रहा। देखो, आर्टिकल बी सी का ना कंबाइंड अर्थ होता है असमानताओं को कम करना देश में, और यदि सरकार मान लो असमानता को कम करने के क्रम में ज्यादा टैक्स लगा दे किसी क्या नाम है बिजनेसमैन की एक लोबी या बिजनेस एक सीमा से ऊपर जिनका ज्यादा पैसा है, वैसे भी लगाती ही है ज्यादा टैक्स लगा दे, तो फिर ये जो बिजनेसमैन है ये नहीं कह सकते कि विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन हो रहा है। भाई हम तो उतना ही टैक्स देंगे जितना कि एक चाय बेचने वाला देता है, जितना कि एक जो है नाई देता है, हम तो उतना ही टैक्स देंगे, हमारे साथ तो असमानता हो गई, तो वो ये नहीं कह सकते। मेरी बात समझे? क्योंकि वहां पे आर्टिकल 39 बी सी को लागू करने के लिए हमने उन पे अतिरिक्त टैक्स लगाया कि भाई आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप ज्यादा दो, तो फिर वो दावा नहीं कर सकते समानता के अधिकार का। अगला है जो विदेशी राजदूत वगैरह होते हैं ना, कूटनीतिक व्यक्ति, ये दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं। इनके ऊपर जैसे जो विदेशी राजदूत होते हैं भारत में, आपने देखा होगा दिल्ली में एक अलग ही एरिया होता है, अलग अलग देश के राजदूत भारत में काम करते हैं, तो इनके ऊपर दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाता। यदि ये कोई अपराध करते हैं ना, तो इनके ऊपर इनके देश में इनके देश के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है, भारतीय कानून के अनुसार नहीं। तो ये विदेशी संप्रभु शासक और राजदूत वगैरह भी समानता के अधिकार के अपवाद हैं। और अगला याद रखना, जो UN की एजेंसियां वगैरह भारत में काम कर रही हैं, तो UNO की जो एजेंसी वगैरह होती हैं, ये भी समानता के अधिकार के अपवाद हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी भारतीय कानूनों के अनुसार व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि इनके देश या फिर UN के अपने रूल एंड लॉ हैं,
उनके अकॉर्डिंग व्यवस्था होगी। ठीक है, तो पांच अपवाद याद रखने हैं कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद, सांसद जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, विधायकों को जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, आर्टिकल 39 BC, और जो विदेशी राजदूत वगैरह हैं और यूएन की एजेंसी वगैरह हैं, ये सब आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। मुझे बता दो कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? बिल्कुल सही बात है, विदेशी दूतावासियों को भारतीय पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनके ना अपने लॉज होते हैं, उनके देश के, वो बेसिकली ना उसको इस तरीके से समझो, मान लो यहाँ पे ये दूतावास है किसी दूसरे देश का, मान लो कि ये अमेरिका का दूतावास है भारत में, ये मान लो इंग्लैंड का दूतावास है भारत में, तो ये दूतावास के जो अंदर, इस परिधि के अंदर जो कानून चलता है ना वो यूके का चलेगा, इसके अंदर जो कानून चलेगा वो यूएसए का चलेगा, यानी ये जो है भारत के कानून से बाहर होते हैं, इसलिए आर्टिकल 14 के अपवाद में आते हैं। क्या बोल रहे हो मैम? प्रेसिडेंट किसी को दांडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया भाई, हमने विधि के समक्ष समानता देख लिया, विधि के समक्ष समान संरक्षण देख लिया, विधि की समता देख ली और इसके अपवाद देख लिए। अब अगला अनुच्छेद हम करेंगे कुछ आधारों पर विभेद का अधिकार, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत ही शानदार आर्टिकल है। पहली बात तो आर्टिकल 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहली बात तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ पांच आधारों पे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, ठीक है, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। पहली बात तो राज्य विभेद नहीं करेगा, और दूसरी बात कोई नागरिक भी इन पांच आधारों पे विभेद नहीं करेगा, यानी केवल राज्य को ही नहीं रोका गया है कि राज्य ही विभेद ना करे, बल्कि नागरिकों को भी रोका गया है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विभेद करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी कार्यवाही होगी, आप भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने सिनेमा हॉल खोल दिया और उस सिनेमा हॉल पे लिख दिया कि भाई इस सिनेमा हॉल के अंदर केवल इसी जाति और इसी धर्म के लोग अलाउड हैं, बाकी इसमें अलाउड नहीं है, तो वो सार्वजनिक तौर पे ऐसी व्यवस्था कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा संविधान इस तरीके की व्यवस्था करने की इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान भेदभाव का प्रतिषेध करता है, यानी जो भी, यदि राज्य ऐसा करेगा तो रोक दिया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति भी ऐसा करेगा तो उसे भी रोक दिया जाएगा। यहां तक समझे, यानी आर्टिकल 15 केवल राज्य पे नियम लागू नहीं करता, राज्य के साथ नागरिकों पे भी नियम लागू करता है कि भाई नागरिकों आपको भी जबान संभाल के रहना है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, जैसे इसके इसके अंतर्गत ना चार पांच चीजें होती हैं, जैसे दुकानें हैं, सार्वजनिक भोजनालय हैं जो ढाबे वगैरह होते हैं, होटल्स हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा किसी भी व्यक्ति को। मान लो एक दुकान अपना परचून की दुकान खोल के बैठे और सुबह सुबह कहे कि नहीं भाई यू आर नॉट अलाउड, आप जो है कहीं और जाओ, तो यदि वो व्यक्ति शिकायत कर देगा तो फिर उस दुकानदार पे कार्यवाही हो जाएगी अच्छी खासी तगड़ी। यानी ये दुकानदार भी किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकता कि आप मेरी दुकान पे अलाउड नहीं हो, आप तो फलाने धर्म से हो, फलानी जाति से हो। ठीक है, यानी दुकान पे, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, दूसरा पूर्णतः, या तो राज्य का 100% कंट्रोल हो या भागतः, या राज्य का 1% भी यदि किसी संस्था में भागीदारी है, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, दायित्वों या शर्त के अधीन नहीं होगा। मेरी बात समझे, यहाँ दो चीजें लिखी हैं, पहला तो आप समझ गए होंगे कि भाई दुकान, भोजनालय, होटल, मनोरंजन के साधन आदि में प्रवेश करने से किसी भी व्यक्ति को इन पांच आधारों पर नहीं रोका जाएगा। दूसरा ये है कि ऐसे
जिनमें राज्य की या तो 100% राज्य की भागीदारी है या राज्य ने उसमें कुछ हेल्प की है, मतलब अंशतः भागीदारी है। ऐसे कुएं, तालाब, स्नान घाट आदि का प्रयोग करने से भी किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। वो अलग बात है यदि किसी व्यक्ति का निजी कुआ है, मान लो उसके, मान लो ये घर है, इस घर में इस व्यक्ति ने अपने पैसे से कुआ खुदवा रखा है और वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाए कि भाई हम तो इसी कुएं में नहाएंगे, ठीक है, हमें तो यहीं पे नहाना है क्योंकि कुओं में नहाने से हमको नहीं रोका जाएगा, तो ये आदमी बेचारा समझाएगा कि देखो भाई ऐसा है, ये मेरा निजी है, यहाँ पे मैंने निजी पैसा खर्च किया है तो यहाँ पे, और ये दूसरों के यूज के लिए नहीं है, ये मेरे परिवार के यूज के लिए, तो ऐसी बात यहाँ पे पहले ही बोल दी है कि ये जो कुआ होगा ना, या तो ये पूर्णतः राज्य ने बनवाया हो या फिर अंशतः राज्य की, जैसे मान लो किसी ने, राज्य ने भी डोनेशन दे दी, भाई एक कुएं को बनाने में मान लो 50,000 खर्च हुए और स्टेट की तरफ से भी उसमें 10,000 का योगदान दिया है, तो भी ये कुआ सबके लिए ओपन होगा क्योंकि स्टेट तो सबके लिए देगा, लेकिन यदि निजी है तो फिर वहां पे हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। क्या बोल रहे हो, मंदिर में नहीं रोका जाता है गर्ल्स को, मस्जिद में नहीं जाने दिया। देखो वो फिर उनके अधिकार का मामला है, यदि महिलाएं जाना ही नहीं चाहेंगी तो वो तो फिर उनकी सचेतता का मामला है, वो कब जागेंगी, है ना। और याद रखिएगा सोसाइटी में प्रत्येक जो वंचित वर्ग होता है उसमें बहुत सारे वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, या फिर हम कहेंगे ट्रांसजेंडर्स, महिलाएं, बच्चे, ठीक है, दिव्यांग, इन लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, आसानी से अधिकार नहीं मिलते। समाज जो है जैसे है वैसे ही चलना चाहता है कि ठीक है महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को हमने कम अधिकार दिए तो ठीक है ऐसे ही चलते रहने दो, लेकिन ज्यादा अधिकार के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखिए आपको नहीं रोका जाएगा। अगली बात है यह प्रावधान, अगला यह प्रावधान राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था, यानी ये जो दूसरा प्रोविजन है ना, ये यानी ये राज्य को ही नहीं बल्कि व्यक्ति को भी रोकता है भेदभाव करने से, यानी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखिए। अब जैसे आप गांव में नहीं देखते होगे पंचायत नल नल नलके वगैरह लगा देते हैं, मान लो पंचायतों ने क्या किया, नलके वगैरह लगा दिए, भाई इस घर के सामने नलका लगा दिया, लेकिन ये नलका किसका है, पंचायत ने लगाया है, उस व्यक्ति का निजी नलकूप नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पे किसी दूसरी जाति का व्यक्ति पानी भरने के लिए आए तो ये व्यक्ति जिसके घर के सामने नलका लगाए ये उसको रोक नहीं सकता, लीगली रोक नहीं सकता, क्योंकि इस नलके लगाने में राज्य का भी योगदान है। लेकिन यदि ये इसके निजी पैसों से लगाए तो इस पे ताला वाला लगा सकते हैं, भाई वो भी सीधी सी बात है, निजी पैसों से लगाया है तो फिर वो एक अलग एंगल हो गया, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो आर्टिकल 15 है, समझ में आया नहीं, राज्य विभेद नहीं करेगा, व्यक्ति विभेद नहीं करेगा, कहां कहां विभेद नहीं करेंगे ये भी हमने देख लिया। इसके तीन अपवाद होते हैं दोस्तों। एक अपवाद आपको याद रखना है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सके, जैसे उदाहरण के लिए भाई हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, तो 15(3) क्या कहता है, 15(3) 15(1) और 2 का अपवाद है। अब जैसे मान लो हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, पुरुष चले जाए चिल्लाते हुए क्या कहें कि हाय रे लुट गए, बर्बाद हो गए हम तो, हैं महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ये 15 का उल्लंघन है। 15 क्या कह रहा है कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करोगे, और आपने लिंग के लैंगिक विभेद कर दिया, आपने पुरुषों को आपने आरक्षण दिया नहीं, महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, राज्य कहेगा या सर्वोच्च न्यायालय के पास यदि ये जाएंगे पुरुष चिल्लाते हुए, तो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा भाई धैर्य रखो, आर्टिकल 15(3) भी पढ़ लो, आर्टिकल 15(3) में साफ साफ ये लिख दिया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है, और ये प्रोविजन आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे, बल्कि ये जो महिलाएं या जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, आप तो यहाँ हो सोसाइटी में,
अब इनको आपके इक्वल यदि लेके आना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए दुखी नहीं होना है, आराम से घर जाओ, पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, समझ गए? तो इसलिए बिना बात हाय तोबा मचाने का अधिकार नहीं है। 15-3 सीधा सीधा कहेगा कि ना भेदभाव हो सकता है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है। 15-3 किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें महिलाएं और बच्चे याद रखना, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रोविजन किया जा सकता है। अगला है ये जो राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई उपबंध कर सके। याद रख लेना, सामाजिक और शैक्षणिक ये दो शब्द याद रखने हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य कुछ या विकास के लिए कुछ विशेष प्रोविजन कर सकता है। जैसे राज्य ने विधानमंडल में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की है, या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट है। आप देखोगे कि जो जनरल कैंडिडेट है उसको कई बार 1000 रुपए फीस पे करनी होती है, और जो एससी कैंडिडेट है उसको 100 रुपए पे करनी होती है। तो ये भेदभाव किया जा सकता है यहाँ पे, ये लीगल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे वर्गों के अपलिफ्टमेंट के काम कर रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पीछे हैं, शैक्षणिक दृष्टि से पीछे हैं। ठीक है, आर्टिकल 15-4 याद रहेगा। अब इसमें अगला प्रोविजन आ जाएगा 15-5 के तहत, ये याद रख लेना कि राज्य को यह अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े तबके हैं उनके लिए छूट बना सकता है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए। जैसे मान लो आप एंट्रेंस एग्जाम होता है, मान लो नीट है या फिर IIT वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं या फिर और भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें मान लो जनरल कैंडिडेट की मेरिट गई 100 में से 70 तो हो जाएगा, और SC ST की मेरिट यदि 50-55 भी जाती है, मान लो 55 गई, तो भी ये प्रवेश कर पाएंगे। इनके लिए विशेष छूट दी गई है, और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि समानता स्थापित हो सके, ताकि वंचित लोग भी, वंचित वर्ग भी अपना कल्याण, अपना जो उत्थान कर सके, है ना। तो ये दो अपवाद याद रखना, 15-5 के 3 अपवाद हो गए। जैसे ये शैक्षणिक संस्थान, और उन शैक्षणिक संस्थानों में ही ये इस तरीके का रिजर्वेशन दिया जाता है जो अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी, ये निजी जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं ना उनमें भी ये प्रोविजन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें फिर ये नहीं है कि राज्य का ही होगा। मान लो किसी का बहुत बड़ा निजी कॉलेज है, वो कह रहा है हम तो नहीं देंगे जी आरक्षण, हम तो जी ये बात लागू नहीं करेंगे, तो वहां पे भी आपको इस तरीके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लागू करना होता है। ये बेसिकली आरक्षण की बात कर रहा है। तो 15 बहुत अच्छे से समझ में आया, 15 के 2-3 प्रोविजन, राज्य विभेद नहीं करेगा, व्यक्ति विभेद नहीं करेगा, 3 अपवाद है महिलाओं और बच्चों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था, और सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं में छूट के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, और ये व्यवस्था राज्य से अनुदान प्राप्त निजी और अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, बता दो फटाफट। आरक्षण सही है लेकिन आधार गलत है आरक्षण का। देखो आरक्षण पे कभी ना अलग से चर्चा विचार विमर्श करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, एक अपने दिमाग में ना एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो, UPSC एस्पेरेंट के नाते, मैं यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं हो तो भावनाओं को भड़काने नहीं आई किसी की, लेकिन UPSC एस्पेरेंट के नाते आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब तक समाज में विभेद रहेगा, एक वर्ग अपने आप को आज भी यहां मानता है सोशली, मूछों को ताव देते हुए घूमता है वो, और एक वर्ग को वो यहां मानता है। इस वर्ग का व्यक्ति यदि ढंग के कपड़े भी पहन के निकल जाए तो इस वर्ग को मिर्ची लग जाती है, इनको लगता है कि ना ये तो हमारा ही अधिकार है, अच्छा हमारे सामने सज धज के घूमेगा। और यदि गलती से इस जाति का व्यक्ति इस जाति के व्यक्ति के सामने मूछों को ताव दे दे
तो ये जाति वाले इसकी बढ़िया कुटाई कर देते हैं, सुताई कर देते हैं। ये तो मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी की। यदि इस जाति का व्यक्ति घुड़चड़ी, मतलब शादी होती है ना घोड़ी पे बैठ के घूमता है दूल्हा, तो अगर इस जाति के घर के लोगों के सामने से घूमे तो कई ऐसे राज्य है, आज भी आपको कई ऐसे मामले देखने को मिलेंगे कि सिक्योरिटी में घूमना पड़ता है, क्योंकि ये वाले ये बर्दाश्त ही नहीं करते, अच्छा हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस जब तक सोसाइटी का नहीं बदलेगा, जब तक हम सामाजिक लेवल पे बिल्कुल इक्वल नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं आ जाएंगे सामाजिक लेवल पे, हम किसी भी व्यक्ति के साथ जब तक सामाजिक आधार पे थोड़ा सा भी विभेद होता रहेगा, हम किसी जाति को हेय दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक आरक्षण वैध रहेगा और तब तक आप आरक्षण को नहीं हटा सकते। या तो फिर समानता लाओ समाज में, आप किसी को कमाको ही मत, काहे कमाक रहे हो, काहे मूछों को ताव दे रहे हो, मूछों को ताव दोगे तो फिर तो उनके संरक्षण के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे, मेरी बात समझे। तो ध्यान रखिएगा, जब तक ये असमानता व्याप्त है सोसाइटी में, तब तक आरक्षण की वैधता, आरक्षण की प्रासंगिकता बनी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसे आप, ये खून में बसी हुई है, ये कौन निकालेगा, हमारी जनरेशन निकालेगी, जब हम बन के आप लोग आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस अलग अलग सर्विसेज में जाओगे, तो आप अपने घर वालों के दिमाग से मेंटेलिटी निकालोगे, है ना। तो ये दायित्व आप लोगों का है कि ये जो हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते ही, हम भारत के नागरिक होने के नाते ही भारत में 70 तरीके के विभेद रखते हैं, भाई तुम फलाना धर्म से हो, तुम फलानी जाति से हो, ठीक है, तुम फलाने क्षेत्र से हो, तो फिर राष्ट्र की अवधारणा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए आरक्षण का कभी विरोध मत करना, आपको ऐसे विरोध करना है 4-5 लोगों के सामने तो करते रहो, यूपीएससी में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको लॉजिकली आरक्षण का विरोध नहीं करना, ठीक है, ध्यान रख। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए आरक्षण की। शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण, तो आपको पता है 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शामिल किया गया। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पिछड़े वर्ग शैक्षणिक, ये ध्यान रखना कि वर्तमान में जो ओबीसी है, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, उनके लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। आप एससी एसटी को तो रिजर्वेशन देते ही थे, आप अब पिछड़ेपन के आधार पे जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देते हो, ध्यान रख लेना, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, या जो सर्विसेज होती हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, आप आईएएस आईपीएस बन के जाते हो, तो वहां पे केवल एससी एसटी को ही रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे ओबीसी को भी रिजर्वेशन है। इनफैक्ट अभी मैं बताऊंगी, वहां पे अब ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगा उसको भी वहां पे रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को भाई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या बोल रहे हो सुरुचि मैम, ये कहां तक सही है, दिनों आरक्षण का कोटा बढ़ता जा रहा है, अपने को किया जा रहा है। मतलब ठीक है, वो एक वाद विवाद का विषय हो सकता है, मैंने आप लोगों को बस ये कहा कि आरक्षण का खुलेआम विरोध नहीं करना है आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सड़क पे चाय पी रहे हो, नुक्कड़ पे चाय पी रहे हो, और पांच लोग आपके जैसे माइंड सेट के ही खड़े हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आरक्षण गलत है, वहां पे आप विरोध करोगे तो कुटाई हो सकती है अच्छे से, तो वहां पे आप भले ही बोल सकते हो, वो एक अलग आपका वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में आप विचार रखो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यूपीएससी के एग्जाम में आप को अपने कंसेप्ट, अपने थॉट बिल्कुल क्लियर रखने होंगे। जो हमारे संविधान की परिकल्पना है ना, आप उसे नकार नहीं सकते। हमारे संविधान की परिकल्पना है न्याय की, कमजोर तबके के संरक्षण की, कमजोर तबकों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों की, तो आप ऐसी संकल्पनाओं को नकार नहीं सकते, ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, अब आपस में ही अब ये खत्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, याद रख लेना। एक छोटी सी बात और बोल दूं सोशली, और पहली बात मैं ये बता दूं कि मैं भी तथाकथित ऐसी जाति से नहीं आती जहां पे आरक्षण मिलता है, ठीक है, मेरे को भी नहीं मिल रहा आरक्षण, लेकिन मैं फिर भी समर्थन इसलिए कर रही हूँ,
समर्थन करने का एक मतलब ये भी होता है कि आपको पढ़ाना, मैं ही विरोधी हो जाऊं और आपको मैं गलत पढ़ाती रहूं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा ना। और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि भाई वास्तविकता भी है, आप कभी जाना जो पिछड़े एरिया है, जो आप ग्रामीण भारत में आज भी जाओगे तो आज भी आपको जाति के आधार पर भयंकर विभेद देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सोसाइटी जहां पे इतने ज्यादा विभेद आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पे आप कैसे बात कर सकते हो आरक्षण खत्म करने की? आज भी जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हो, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, मतलब मेरे को भी बोली गई थी, हर बच्चे को बोली जाती है, तो माँ बाप इतना लिबरल दिखाते हैं अपने आप को, माँ बाप ये कहेंगे कि देख बेटा या देख बेटी, ठीक है पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है अगर लड़का भी ढूंढे ना अपने लिए तो अपनी ही जाति का ढूंढना या अपनी जाति के समकक्ष जाति का ढूंढना, मतलब बिल्कुल लगभग एक जैसी जातियों में ढूंढना। अगर एससी एसटी लड़का ढूंढ लिया तो फिर हमसे रिश्ता खत्म। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूं, यहां तक आपके दिमाग में भेदभाव बैठा हुआ है, ठीक है? तो जब तक ये भेदभाव काहे भाई, इनको क्या हो रखा है, मतलब इन सिर्फ जाति के आधार पे। अगर एक एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, मान लो यदि एक ऐसी लड़का बहुत योग्य है, अपने लाइफ में स्टेबल है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का है, तो आप उसको सिर्फ जाति के आधार पे छोड़ दोगे? इतना तो भेदभाव होता है। और इस भेदभाव के बावजूद अगर कुछ सोसाइटी के लोग कहेंगे कि हमको तो क्या करना है, हमको तो आरक्षण खत्म करना है, तो फिर तो गलत है ना। पूर्वज हमारे इतना विभेद करते आए हैं एक जाति के खिलाफ, तो ये भी गलत है, ये हमको समझना होगा। तो जब तक ये विभेद रहेगा हमारे थॉट प्रोसेस में, तब तक आप आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हो और खत्म करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? चलो भाई अब आगे बढ़े, क्या बोल रहे हो? इसलिए आर्टिकल 21 याद रहता है, आर्टिकल 21 नहीं भूलोगे कभी भी। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रीमी लेयर की। ये क्रीमी लेयर क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या होती है, तो ध्यान रखना, पिछड़े वर्ग में तबके निश्चित करने के, तबकों के जो छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में जो आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन कौन से तबके होंगे? जैसे मान लो, ये पहली बात तो पिछड़े तबकों पर ही लागू है, पिछड़े वर्ग पे लागू है, ओबीसी पे लागू है। याद रखना, ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है ये ओबीसी पे ही लागू है, एससी और एसटी पे लागू नहीं है। यहां पे हम विचार कर सकते हैं कि भाई एक एससी व्यक्ति यदि सक्षम हो गया है, सशक्त हो गया है, तो फिर क्रीमी लेयर लागू कर दो या ना कर दो, वो एक अलग विचार का विषय है। लेकिन अभी जो क्रीमी लेयर लागू है वो केवल ओबीसी पे लागू है। इस क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक पूरी जाति है, इस पूरी जाति में, अब ये इस जाति को हमने कह दिया कि भाई ये पिछड़ी जाति है, ठीक है भाई ये पिछड़ी जाति है, लेकिन इस पिछड़ी जाति में कुछ वर्ग होंगे सक्षम सशक्त, है ना, और कुछ होंगे एकदम दबे कुचले और बेचारे वंचित। एक जाति की बात कर रही हूं, तो फिर यदि हम सबको आरक्षण दे देंगे तो इस आरक्षण का फायदा कौन उठा लेंगे? ये ऊपर वाले, यानी इसी जाति के जो समृद्ध लोग हैं वो इस आरक्षण का भी फायदा उठा लेंगे और समृद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए एक अवधारणा निकाली गई कि भाई क्रीमी लेयर को हम लागू कर देते हैं, यानी इस जाति के जो पिछड़े हुए तबके हैं हम इन्हें ही आरक्षण देंगे, इस जाति के जो अगड़े जो समृद्ध तबके हैं, समृद्ध लोग हैं, इनको आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी समृद्ध है, ठीक है? दो चीजें याद रहेंगी। अब ये ध्यान रखना, इस क्रीमी लेयर वर्ग में कौन कौन आएंगे, यानी किस किस के ऊपर ये क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होगी। पहली बात तो संवैधानिक पद धारण करने वाला, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कैग हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े पद आपको दिख रहे हैं, जितने भी संवैधानिक पद दिख रहे हैं, यदि संवैधानिक पद धारण करने वाला ओबीसी का व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो जाएगी कि भाई आप तो क्रीम में आते हो, आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का, ठीक है? ध्यान रखना। तो पहली बात तो संवैधानिक पद धारण करने वाले क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा, ग्रुप ए ग्रुप बी की सेवा, क्लास 1-2 अधिकारी, जैसे आप आईएएस आईपीएस बन के जाओगे और यदि ओबीसी हो तो फिर आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो किस में आ गए, क्रीमी लेयर में आ गए, है ना, क्रीम में आ गए।
आपको फिर अलग से रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उत्थान हो गया है। अगला, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे बैंक है, बीमा कंपनी है, विश्वविद्यालयों आदि में जो प्रोफेसर हैं, या बड़ी बड़ी निजी कंपनियों में जो डायरेक्टर वगैरह हैं, मैनेजर वगैरह हैं, तो उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगला, जैसे सेना में कर्नल, उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी वगैरह होते हैं, इनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं, इनको भी फिर ये क्रीमिलेयर में आ जाएंगे सारे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सब क्रीमिलेयर में आएंगे। मोटे तौर पर आपको याद रखना है ये 4.5 लाख नहीं है, अब 8 लाख हो चुकी है भाई, ठीक है। अभी तक वो आदत नहीं गई ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, अभी तक नहीं, मतलब आदतें रहती हैं बचपन वाली, कोई बात नहीं। तो ध्यान रख लेना, ये सालाना आय है 8 लाख, आराम से समझो। यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख या उससे अधिक है, तो वो व्यक्ति क्रीम में शामिल हो जाएगा और उसको ओबीसी वाले लाभ, जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, वो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? यानी क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है, कि एक ओबीसी या पिछड़े वर्ग की जाति में समृद्ध और वंचित वर्ग के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है, जो समृद्ध लोग हैं उनको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इन समृद्ध लोगों में कौन कौन आएंगे वो मैंने अलग अलग भी आपको बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया कि भाई जो एक इनकम फिक्स कर दी है कि भाई 8 लाख या उससे अधिक वार्षिक इनकम किसी की भी है, तो वो क्रीम में शामिल, क्रीमी लेयर में हो जाएगा और फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, उनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि, मतलब वही शहरी क्षेत्र में भवन है, एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, इन नौकरियों में है, सालाना आय इतनी है, तो ये सब क्रीमी लेयर में शामिल हो जाएंगे और इनको फिर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो यदि आपसे अब कोई क्रीमी लेयर पूछे, तो क्रीमी लेयर की अवधारणा समझ में आई, बता दो। और ये क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी पे ही लागू होती है, एससी एसटी पे लागू नहीं होती है अभी तक, ठीक है, बता दो भाई फटाफट। क्या बोल रहे हो मैम, जिसे आरक्षण की जरूरत है उसे मिल नहीं पा रहा है, जिसे जरूरत नहीं है वो, ऐसा ऐसा नहीं है, उसे मिल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है, अब नहीं बोल सकते क्योंकि अब तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई है ना। पहले बोल सकते थे कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, तो कहीं जनरल कैटेगरी के लोग जिनको वास्तव में जरूरत होती है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं आर्थिक तौर पे, उनको रिजर्व, तो अब तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दे दिया, अब तो ऐसा बोल ही नहीं सकते आप, है ना। और बाकी जिनको आरक्षण दिया जा रहा है सोशली, उनको जरूरत है, इस बात को समझो, ठीक है। एग्जाम में कभी मत लिख के आना अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आरक्षण को खत्म किया, पता लगे कोई ना इसी क्लिप को वायरल कर दे भाई, आजकल ये भी तो डर लगता है ना, मैं तो पूरी क्लास नहीं सुनेगा और फिर ये अफवाह मच जाएगी कि भाई एक मैडम है जो आरक्षण का विरोध कर रही है, जबकि उनको पता ही नहीं है मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रही, समर्थन कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, समझ रहे हो। कंक्लूजन में जो आपने लिखा है ये मत लिख देना, ठीक है, सीधा आंसर कट जाएगा, ठीक है मनीषा, याद रखना। इसलिए आजकल यूट्यूब पे विशेषकर बोलने से पहले ना सोचना पड़ता है ना, और फिर पता लगे आ जाए पुलिस, अच्छा छात्रों को, छात्राओं को भड़का रही है, आरक्षण नहीं होना चाहिए है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हो मैम, क्या आर्थिक समानता स्थापित करके भेदभाव मिटा सकते हैं? काफी हद तक आप इस चीज को समझो, यदि आर्थिक समानता है, आप इसको ना दो, आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हो, मैंने फेस किया है इसको अपने व्यवहारिक जीवन में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक अब YouTube पे बोल ही सकते हैं क्या है ये, तो इससे सीखना भी चाहिए भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो यदि किसी तथाकथित व्यक्ति का, जाति का व्यक्ति आपके घर में आया है, ठीक, और मेरे घर में नहीं, मतलब किसी वो पड़ोसी के घर में, और आप देख रहे हो इन सब चीजों को, और आप उसको अलग कप में चाय दे रहे हो, ठीक, अलग कप में चाय दे रहे हो बकायदा, और वो खुद धोता है आके, ऊपर से डालते हो चाय, ये लो लग ना जाएगा, मतलब ये तो आपका थॉट प्रोसेस है, क्या करोगे लाइफ में, इतना भेदभाव रखोगे तो मर के तो एक ही जगह जाना है ना, काहे भेदभाव करते हो यार, ये चीज। और सेम डे वो दूसरा एग्जाम्पल देखता है कि जिस जाति के व्यक्ति के साथ अभी एक घंटा पहले इतना भेदभाव हो रहा था कि आप उसको अलग कप में चाय दे रहे थे और चाय भी इतनी ऊपर से डाल रहे थे कि छींट भी आपके ऊपर ना पड़े, है ना, और एक घंटे बाद
सेम जाति का व्यक्ति आपके घर पे आता है, बस फर्क इतना था कि उस व्यक्ति का पिता एमएलए है, मतलब जाति सेम है, लेकिन जो एक घंटे बाद आपके घर में आया उसका पिता एमएलए है और आप उसको ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि दामाद है आपका, भाई साहब काजू आ रहे हैं, बिस्किट आ रहे हैं, हैं कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं बढ़िया कांच वाले गिलास में, मतलब वो कांच वाले गिलास जो घर के अलमारियों में रखे रहते हैं कि कोई स्पेशल गेस्ट आएगा तो उसके लिए निकाले जाएंगे, फिर चाय भी दे रहे हो, तो फिर ये क्या दिख रहा है? यानी आपके आर्थिक आधार पे आपके साथ विशेष ट्रीटमेंट किया गया, जाति सेम ही है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि काफी हद तक इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी जो जातिगत जो अवधारणाएं हैं या जो समाज में असमानता की अवधारणाएं हैं उनको कम करता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इसलिए जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता आती जाती है, और इसके दो तीन फैक्टर भी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता आएगी तो लोगों का जो दिमाग होता है, आप भी जब आज से 5 साल बाद आईएएस आईपीएस आईएफएस बन के अपने अपने क्षेत्रों में सर्विस कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैक्सिमम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे, है ना, और ऊपर उठ के भी काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर हम में और पांचवी फेल व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होगा, भले ही हम डिग्रियां घुमाते रहे हवा में, एकदम एकदम हम तो एमए पास है, यूपीएससी निकाल लिए हैं, लेकिन सोच में वही गधे टाइप के आदमी है, तो वो गधे टाइप के आदमी नहीं होना है ना, ध्यान रखना। फिर हम में और उस पांचवी फेल व्यक्ति में जो इस तरीके की सोच रखता है उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जला दो डिग्रियों को, आग लगा दो, अगर पढ़ने लिखने के बाद भी आप ये सोच रखते हो, किसी जाति के साथ आप गलत भेद विचार रखोगे, भेदभाव करोगे, किसी धर्म के साथ आप भेदभाव करोगे, किसी अन्य क्षेत्र आधार पे आप भेदभाव करोगे, तो फिर इन डिग्रियों को जला दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कड़वी लगेगी लेकिन सच बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज क्रीमी लेयर आप लोगों को समझ में आया मुझे ये बता दो, कल हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ईडब्ल्यूएस के क्या क्या क्राइटेरिया है, है ना, फिर आर्टिकल 16 समझेंगे, आर्टिकल 17, जैसे आर्टिकल 16 में ये जो है ना अवसर की समानता, इसके क्या क्या अपवाद है, आर्टिकल 17 18 और हम लगभग आर्टिकल 19 में प्रवेश कर जाएंगे, कल 19 में तो फिर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, चीजों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, मुझे बता दो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और फटाफट इंस्टॉल कर लो ललिता दहिया अकेडमी ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में, ललिता दहिया अकेडमी ऐप फटाफट इंस्टॉल करो, साइन अप करो, और बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में बेस्ट से बेस्ट, जिसे कहते हैं ना आप 2 लाख की फीस में भी इस तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है, याद रखना पॉलिटी बैच शुरू हो चुका है, इसकी 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, आप रिकॉर्डेड सेशंस में भी देख सकते हो, जिसने परचेज कर लिया है वेल एंड बहुत बढ़िया, और जिसने नहीं परचेज किया है वो फटाफट परचेज कर ले। इसके साथ 11 जुलाई से मंडे से हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, बिल्कुल बेसिक से करंट को जोड़ते हुए मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट ले लें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर देना यदि समझ में आ रही हैं चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ, तो दोस्तों पढ़ते रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।